समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने सिराथू विधानसभा के कछुआ में बने ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया। इसका निर्माण यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 210.92 लाख की लागत से करवाया है। 10 महीने पहले ही इसका शुभारंभ किया गया, लेकिन 1 साल पहले ही इसकी दीवारें जर्जर हो गईं। सपा विधायक के निरीक्षण में यहां स्वच्छता अभियान की अनदेखी भी पाई गई। ट्रामा सेंटर में 2 डॉक्टरों की तैनाती की गई है, लेकिन विधायक को सिर्फ 1 डॉक्टर मिले। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों के बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीएचसी अधीक्षक से 24 घंटे में स्टेटमेंट मांगा है। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने बिल्डिंग निर्माण की निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जैसा कि सभी को पता है कि इस वक्त डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं और निरंतर यहाँ पर मौतों का जो आंकड़ा है, लोग अपने परिवारों में सदस्यों को खो रहे हैं, वो आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो ऐसे में हम सिराथू की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको परखना चाहते थे और उसी के मद्देनज़र ये ट्रामा सेंटर में हमारा आज निरीक्षण था। और निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि यहाँ पर जो एक स्वच्छता अभियान की जो एक बेस लिमिट है उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जिन्होंने उद्घाटन किया, जिनके कर कमलों द्वारा पत्थर यहाँ लगा है, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है। और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे हम बहुत जोर दे रहे हैं, सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का डंका पीट रही है। तो यहाँ पर इस गांव में ही 12 लोग डेंगू से मरे हैं।